सारिका अगेन ऑन 11 स्ट्रीम। आई होप आप सब ने सब्सक्राइब किया है, शेयर कर रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड आई एम हेयर विद यू टुडे अगेन विद वंडरफुल पर्सन। एंड बिफोर आई इंट्रोड्यूस, लेट्स टॉक अबाउट दिस लवली ग्लास ऑफ वाटर दैट आई हैव। वाटर इज़ बिकमिंग मोर ऑफ अ स्केर्स रिसोर्स दीज डेज, एंड आई एम श्योर थोड़े सालों में वो नौबत आने वाली है कि अभी तो देश तेल के लिए लड़ रहे हैं, फिर शायद पानी के लिए लड़ने लगेंगे। सो टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश आर्या, हु इज़ प्राइमरली अ जियोलॉजिस्ट, बट ही इज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क इन वाटर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन। सो लेट्स से हेलो टू डॉक्टर रितेश। हेलो, हाउ आर यू? फाइन मैम। सो फ्रॉम बीइंग अ जियोलॉजिस्ट, यू स्टार्टेड एज अ जियोलॉजिस्ट, फॉसिल एक्सप्लोरेशन एंड ऑल। ब्रीफली हमको बताओ। मतलब जब मैंने शुरुआत की अपने करियर की, तो ये नहीं पता था कि जियोलॉजी क्या होती है, फॉसिल्स क्या होते हैं। लेकिन बस एक से एक इंसिडेंट्स ऐसे होते गए कि जब मैं पहले जियोलॉजी डिपार्टमेंट में गया तो कसौली फॉर्मेशन आई, और 20 मिलियन ईयर्स के रॉक्स आए, मेडलिकॉट आया, 1864 आया, और मैं कसौली क्लब में पहुंच गया कि जहाँ पे मेडलिकॉट ने फॉसिल्स ढूंढे थे। और 2 साल लग गए मेरे को अच्छी फॉसिल लोकेशन ढूंढने में। और फिर मेरे को पता लगा कि मैंने इतना मटीरियल ग्रेजुएशन के टाइम में इकट्ठा कर लिया था जो मेरे PhD के लिए काफ़ी था। तो उसमें फॉसिल्स इतने इंटरेस्टिंग थे कि राइनोसेरस का भी फॉसिल था मेरे पास, एंजियोस्पर्म्स की वैरायटी थी, और पूरा उसका एवोल्यूशन जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल चेंज होने वाला था। तो एवोल्यूशन ऑफ हिमालयस का भी काफ़ी उसमें पता लगना था कि प्रेसिपिटेशन कैसे होनी है, रेनफॉल्स कैसी होनी है, और ये सब कुछ चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था मेरी ज़िंदगी। और जिस दिन PhD की डिग्री मिल गई तो फिर मैंने बोला अब PhD की डिग्री मिल गई है तो जाओ घर से, बोला नहीं अब 300 रुपये और दे दो, वो उसको वो काली ड्रेस लेनी और फोटोग्राफ लेनी है। कहते अभी पैसे की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी पैसों की जरूरत है। मेरे को लगा यार ये कुछ है। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली एज अ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट काम करने की। ओके, सो दैट इज द शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल एक्सप्लोरेशन टू वाटर, क्योंकि इसमें पैसे नहीं थे, पैशन था। तो मेरा पैशन था वो हो गया। तो फिर यहाँ पे गए तो उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैं गया वहाँ पे, अब पढ़ा तो था नहीं, सिर्फ फॉसिल्स इकट्ठे करते रहते थे। तो इंटरव्यू दिया, कुछ उसमें प्रश्न आए नहीं आए, लेकिन पोस्ट इतनी कम थी वहाँ पे कि मेरे को सिलेक्शन होगी। और जैसे ही मैं सिलेक्शन हुआ, आई वाज टोल्ड कि यू कैन गो एंड रिपोर्ट टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर IPH भोटा। मैंने क्या IPH भोटा, ये कौन है? अब मैं वहाँ पे चला गया। अच्छा आप आगे चलो, लेट्स गो। मैंने कहा कहाँ पे? कहते MLA एंड विलेज पंचायत इज वेटिंग फॉर यू, सरपंच बड़सर के पास। उधर मैं वहाँ पे गया तो एक रिग देखी, मैंने कहा यहाँ पे क्या करना है? कहता है बताइए यहाँ पे पानी कैसे निकलना है। फिर यहाँ पे रिग डिप्लॉय होगी, वी आर वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। ओके, सो दे टुक यू एज एन एक्सपर्ट। ओके, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट वाटर, हाउ टू फाइंड इट, बट आई वाज आस्क्ड टू फाइंड। अब मैं गया वहाँ पे, अब ये भी नहीं बोल सकता ये कुछ आता नहीं है। बिल्कुल MSc कर रखी है तुमने और यहाँ पे तुम आ गए जियोलॉजिस्ट का ठप्पा लगा के, इज्जत इज एट स्टेक ऑब्वियसली। तो अभी मैंने फिर क्या किया, देखा वहाँ पे कि ये जैसे उनका गांव था, उसके नीचे स्ट्रीम बहरी थी। और एक एक्सप्लोर करके देखा कि वहाँ पे एक चश्मा सा था, तो मैंने कहा चल यहाँ पे ड्रिल करेंगे तो यहाँ पे पानी मिल जाएगा। अब ड्रिलिंग शुरू हुई तो बोला कब आएगा पानी? थोड़ी देर के बाद बोले कब आएगा? मैंने कहा मेरे को क्या पता कब आएगा यार, हाउ टू हैंडल। पर शाम को क्या हुआ कि 170 फीट का जब ड्रिलिंग हो चुकी थी, वाटर केम आउट। आई बिकेम इंस्टेंट हीरो, यू नो, क्या इतने सालों से पानी नहीं है गाँव में और आपने निकाल दिया। ऐसे चलता रहा प्रोसेस और 3-4 गाँव में फर्स्ट क्लास। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है यार, और गांव वाले खिला रहे हैं पिला रहे हैं। मैंने क्या किया, फिर एक आया भुट्टा जगह। भुट्टा में क्या था कि मैंने कहा ऊपर देखा, मैंने किला था फोर्ट। अब एकदम क्यूरियोसिटी उस टाइम आया था पानी कैसे ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा यार तुम ऐसा करो ये बस स्टैंड के पास लगा दो, यहाँ पे लोग आएंगे। कुछ नहीं देखा मैंने, फर्स्ट टाइम आई डिडंट सी कि क्या। मैंने कहा ये तो निकल जाते, 3-4 बोर हो गए हैं तो ये सक्सेस यहाँ पे भी निकल जाएगा। मैं उधर किला देखने चला गया। जब किले देखने गए तो वहाँ पे क्या हुआ, पहाड़ों में ये बोलते हैं ये पास में ही है बिल्कुल, और 4-5 घंटे लग गए हमारे को पहुँचते पहुँचते। उससे पहले हमारे को एक बुजुर्ग सा आदमी मिला, कहता वहाँ पे 2 कुएँ हैं, पुराने ज़माने में ये बताते थे, पर अब उसमें पत्थर डाल दिए क्योंकि वो बकरी गिर गई थी भाई, हमारे बुजुर्गों ने डाल दिए थे। 500-600 साल पुराने किले थे वो। उसको पंचसिंगों का किला बोलते थे। मैं वहाँ पे गया, अब ये क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि 2 कुएँ हैं। अब गए वहाँ पे तो देखा उस किले के पोर्शन में कुएँ थे और कैपिलरी एक्शन के साथ पानी आ रहा था, और वहाँ पर ग्रीनरी थी। मतलब अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, टॉप ऑफ द हिल पानी है, 10-20 फुट ड्रिल किया और खुदा होगा उन्होंने हाथ से, और 24/7 आर्मी ने वहाँ पे रहना है, तो वो पानी के बगैर ही रह सकते। अगर नीचे आएंगे तो एनिमी मार देंगे उनको, और पानी के बगैर खाने के बगैर रह सकते नहीं रह सकते बस। तो मेरे को जैसे आर्किमिडीज वाला था ना, वाओ यूरेका वाली फीलिंग कि हमारे पूर्वजों के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि दे वर एबल टू लोकेट वाटर एट द टॉप ऑफ द हिल। मैं नीचे आया तो जहाँ पे मैंने साइड दे रखी थी वहाँ पे देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, इट ऑल वेंट ड्राई। 300 feet वी डिल्ड, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। यू नो मैंने क्या किया फिर उस दिन से डिसाइड कर लिया यार ये इतना आसान नहीं है। रात दिन करते करते मेरे को 3 साल लग गए, 3 साल, पर मैं किसी की नहीं सुनता था। फिर एक तरफ मेरे पास था ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे एंसेस्टर्स की थी, एक तरफ था रिमोट सेंसिंग, जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और ये सब अटरम शटरम जो हमारे किताबों में पढ़ा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मेरे को ये सब दरकरार करना था क्योंकि मेरे को अब ये टॉप ऑफ द हिल में पानी निकालना है। और क्या टेक्निक्स थी? फिर मैंने सारे फोर्ट्स विजिट किए, मलौन का फोर्ट जिसके बाद जो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई थी, जहाँ पे गोरखा रेजिमेंट की एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो मैंने वहाँ पे विजिट किया, बड़ासर का किला विजिट किया। इन सब में मैंने देखे 2-2 कुएं थे, टॉप ऑफ द हिल थे, और ये था ये ट्रेडिशनल विजडम। और फिर मैंने देखा क्या क्या फैक्टर्स थे, ये जो उस टाइम के हमारे जो जियोलॉजिस्ट थे क्या क्या फैक्टर्स लेते थे, उनको पानी वाला बाबा बोल देते होंगे, कुछ बोल देते होंगे, अंग्रेजी नहीं। तो अब इसमें क्या किया आपने, जब ये देखे मैंने तो 3 फैक्टर्स मेरे को लगे। एक लिथोलॉजी, एक फ्रैक्चर्स स्टडी करते थे वो, पर सबसे पहले रॉक टाइप, टॉप ऑफ द हिल और कहाँ से पानी आ रहा है। तो ये 3 फैक्टर्स अगर आपके सही हैं, लिथोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और रिचार्जिंग फैक्टर्स, अगर आपने स्टडी कर लिया तो आपका कोई भी बोर फेल नहीं हो जाएगा। तो आपने यही मेथड्स यूज किए? यही मैंने फिर उसके बाद क्या किया, ये तीनों मेथड्स यूज करके मैंने काम शुरू कर दिया और किसी की नहीं सुनता था। और मेरा सक्सेस रेट, पहले हम ये मानते थे कि 10 बोर किए आपने, 6 सक्सेस हो गए तो आपको 100% सक्सेस रेट मिल जाता है, ये मॉडर्न टेक्निक्स की सक्सेस रेट है। अब मेरे पास था 99.9% भी अगर मेरा फेलियर है, दैट इज नॉट अ सक्सेसफुल टेक्निक। आई वॉन्टेड 100%, एंड देन इन 3 years I was able to duplicate the techniques used by our ancestors 500-600 years ago, and I was replicate and find water and जब भी हम खोदते थे उसके बाद पानी मिलना शुरू हो गया। फिर मैंने ये मॉडल बनाया, conceptual model to explain occurrence and movement of groundwater resources पूरे हिमालयाज का, and I presented that paper in China International Geological Congress, that is a geological olympiad, you know, after। तो उसमें मेरा प्रेजेंटेशन ही काफ़ी लोगों ने सराहा, और जब मैं वापस आया तो कुछ ऐसे हो गया यहाँ पे कि नहीं हुआ। और वहाँ पे मेरे को क्या हुआ, एक अंग्रेज़ मिल गया, उसने बोला, WaterAid से थे वो, कहते कि यार आप ऐसा करो, उसके इंटरव्यू देखा होगा उसने, मेरा पेपर पढ़ा होगा, तो कि कैन यू फाइंड समथिंग फॉर अस इन लद्दाख इन ले। मैंने कहा हाँ। अभी इसमें क्या हुआ कि मैंने कहा यार ले, अभी मैंने उसको हिमालय को 7 zones में डिवाइड किया हुआ था, 6 हिमाचल में थी, 7वीं वहाँ पे थी, और ये भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दी। मैंने कहा वाई नॉट, पर मेरे दिमाग में था वहाँ पे तो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे इंडस रिवर बह रही है, तो पानी की कमी कैसी है। तो मैंने बोला उसको कि आप आई कैन डू इट फॉर यू। कहता हाउ मच विल यू चार्ज? मैंने बोला 25। कहता 25,000? मैंने उसको बोला था 2500, क्योंकि मेरी महीने की जो तनख्वाह मिलती थी मेरे को 2500 रुपये मिलती थी उस टाइम। तो ही सेड 25, मैंने निकल दिया हाँ। ही पेड मी 25,000 rupees, बट ही टोल्ड मी दैट आई विल पे फॉर योर एयरफेयर एंड योर वहाँ पे once you submit the report it is approved by our तो I'll pay you 25,000। मैंने कहा fine enough यार। तो मेरी 7th, मेरे को ये था मैं 7th zone में जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को ये दिखाना था कि यहाँ पे भी पानी निकल सकता है, जो मेरा मॉडल था। वहाँ पे गए तो मैं गया तिब्बतियों के पास, तो वहाँ पे तिब्बतियों को वो लैंड दिया गया था जो बिल्कुल पैरन था। वो बेचारे 1959 से आए थे, जब इनको चाइना ने अटैक किया था दलाई लामा के साथ, तो दलाई लामा धर्मशाला में आ गए, ये वहीं पे सेटल हो गए इंडिया में, बस इतना ही था उनका। अब इनको लैंड था बेचारे, मैंने जब देखा पैथेटिक कंडीशन थी, ये पोटर्स थे, मतलब ये बेसिकली एग्रीकल्चरलिस्ट थे वहाँ पे अपने लैंड में, यहाँ पे आके इनको पोटर्स बना दिया आर्मी का। और इनके पास सिर्फ ये होता था कि पता था नहीं बेचारों को, जाते थे वहाँ पे कुछ कुछ कर दिया, फिर यहाँ पे आके कहते हैं बियर पी लो, दारू पी लो, पानी नहीं है। और बाकी बहुत प्रॉब्लम थी इनकी पानी की। नहीं आई विजिटेड लद्दाख, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। नहीं अब तो मतलब, तो उस टाइम मैंने कहा कि यार दिस इज, अगर मैंने कुछ अगर मॉडल को सक्सेसफुल देखना है 7th मॉडल, तो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया, दिस इज द थिंग। तो करते करते देन यू रीच सियाचन, फिर दलाई लामा, फिर इन्होंने करते करते मतलब एयरफोर्स के साथ टाइप हुआ, क्योंकि मैं इनके साथ काम कर रहा था, मेरे को सपोर्ट सिस्टम चाहिए था एयरफोर्स के साथ, फिर एयरफोर्स के साथ गया। तो इन 2 years आई वॉज एबल टू गिव 3,800 Tibetans 24/7 वाटर। without using electricity because they didn't have money to pay electricity. So we explored groundwater. Jahan unki locations thi, we developed the concept of green water. No transportation of water needed. Jahan pe zarurat hai, wahin pe pani ko nikalo, wahin pe use karo, minimum use karo, aur usko recycle karke kaise tum. तो वो हमने वहाँ पे मॉडल बनाया। फिर हमारे को एयरफोर्स वालों ने बुलाया, फिर डीआरडीओ ने बुलाया, और फिर कारगिल की लड़ाई हो गई थी उस टाइम। तो सियाचिन हॉस्पिटल में मैंने जहाँ पे वो था वहाँ पे काम कर रहे थे हम, तो वहाँ पे किया, एयरफील्ड पे काम किया। और आर्मी ने फिर मेरे को वहाँ पे चाहा थी कि मैं आर्मी सियाचिन, अब यहाँ पे पहुँचा तो यार थोड़ी सी फील्ड देख ली और यहाँ पे मेरे को सियाचिन में जाना है। तो वो कहते यार यू हैव टू बी ए डिफेंस मिनिस्टर और इन द आर्मी। मैंने कहा 3 बार SSB दिया था, फेल हो गए। फिर उसका ना वहाँ पे चंदन नाला था जहाँ से वो पानी लेके आ रहे थे, बट इट वॉश्ड आउट ड्यू टू फ्लैश फ्लड और उनकी वो वाटर सप्लाई स्कीम नहीं चल पाई। मैंने कहा आई कैन गिव यू वाटर इन सियाचिन। कहते रियली? कहते बैठ गाड़ी में मुझे भोपरा ही होता था, इंजीनियर्स के वहाँ पे। अगले दिन वी वर इन सियाचिन। मैंने कहा अब परमिशन की? कहता चुपचाप बैठ गए, देखना सियाचिन की नहीं। हम पहुँच गए वहाँ पे, तो मैंने देखा पानी की जरूरत थी। तो मैंने कहा पानी, यार थक गए थे क्योंकि काफ़ी ड्राइव किया था, 3-4 घंटे की ड्राइव थी वहाँ से प्रतापपुर से। वहाँ पे अपना पतीला से लेके गए, बर्फ तोड़ के ले आए। मैं कहा ये तुम पीते हो पानी और स्टोव जला रहे हैं, वहाँ पे गैस गूस है नहीं, वो टक 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 करके चला स्टोव नहीं स्टार्ट हो रहा, फिर वो लगा रहे हैं। मैं दिल में सोचा दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू हैव वाटर लाइक दिस। मैं वहाँ बहुत जगह जम्मू कश्मीर में ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड, हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड माउंटेन डेजर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जगह जम्मू में ग्रीनरी है और वो स्प्रिंग सोर्सेज नहीं है। यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग सोर्सेज नहीं है। लद्दाख में बर्फ वाला एरिया है, जहाँ जहाँ पे स्ट्रीम है वहीं से आपने करते थे, ये यही करते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला हाँ हम करें। तो ब्रिगेडियर दुग्गल होते थे वहाँ पे और भाटिया, कर्नल भाटिया होते थे वहाँ के जो ओसी थे। तो देखो जस्ट सरप्राइज, आ गया बंदा, ये ऑल ऑफ अ सडन विदाउट परमिशन यहाँ पे पहुँच भी गया और ये बोला पानी भी दे देंगे। तो वहाँ पे हमारी रेग थी, तो वी गेव देम वाटर इन 2000, टेस्टेड इट इन विंटर्स जब -40 डिग्रीज था, 38 डिग्रीज था, इट वॉज गिविंग वाटर। और आज तक भी बेस 1, बेस 2, बेस 3 में हमने पानी दिया और आज तक चल रहा है। एक जगह आपने वार्म वाटर भी एक्सप्लोर किया, बेस कैंप 1 में हमने। फिर 2011 में मेरा ड्रीम था कि यहाँ पे क्योंकि एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है, तो हमने वहाँ पे, मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे मिल सकती है, तो 11 में वहाँ पे ल्यूकॉम वाटर भी हमने सियाचिन में निकाला। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पर हमारे को ये था कि आर्मी का काफ़ी सपोर्ट था वहाँ पे और उनकी रिक्वायरमेंट भी थी। पर अगर वहाँ पे और एक्सप्लोरेशन की जाए तो हम सियाचिन में पूरा ग्रीन कर सकते हैं, उसको फॉसिल फ्यूल फ्री बना सकते हैं और इतना अच्छा कर सकते हैं कि हर एक बंदा चाहेगा कि आर्मी वाला भी कहेगा कि ये पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं है, कि इसको लगता है यार मैं कहाँ पे फंसा दिया। तो एक मैंने उसको प्रपोज किया था कि वहाँ पे एक जियो टूरिज्म अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, तो ये मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं। कि तो चलते चलते फिर इसमें खूब सारे रिकॉर्ड्स भी, हाँ मतलब ऐसे था कि कोई भी हाइट होती थी, बहुत सारी हाइट्स भी होती थी। तो मेरे को जहाँ पे भी होना, तो उन्होंने इस करते करते हमारे को एक जगह हमने पानी निकाला, तो वो हाईएस्ट आर्टिशन कंडीशन मिल गई कि वहाँ पे आपको पंप लगाने की भी जरूरत नहीं है, अपने यहाँ पानी आता है। और वो ले में हमारे को मिला, तो वो जब देखा तो हमने गिनेस बुक में हमारा नाम आ गया और लिम्का बुक में 2014 में चुशुल में हमने निकाला। So we have a Guinness record holder sitting here right in front. It just happened. I'm lucky. मैं पहली बार मिल रही हूँ किसी Guinness record holder से। पर ये तो thanks to army, उन्होंने इतनी opportunity. Congratulations. जी, thank you very much. So rewards हो गए, अभी awards कितने मिले क्योंकि इतना काम किया है, you have to have some awards. तो ये हमारे को क्या था, हिमाचल गवर्नमेंट ने हमारे को रिकॉग्नाइज किया। फिर इंटरनेशनल हमारे सस्टेनेबल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के गुस्ताव और ग्रॉफ थे यूएन के, उन्होंने भी मेरे को अवार्ड दिए और डायरेक्टर बना दिया अपनी वाटर एंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी सेक्शन का। और फिर उसके बाद हमने रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफ़ी काम किया। तो इसमें क्या था कि सारे का सारा क्लाइमेट चेंज में भी, और ये सारी की सारी अभी 25 साल हमने यूनाइटेड नेशंस में जेनेवा में मनाए थे, तो उसमें वाटर के बारे में भी, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के बारे में भी, सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी। क्लाइमेट चेंज एंड ऑल है ना, तो आजकल वाटर क्राइसिस बड़ा सुनने में आता है। हाँ, ये एवरीवन इज सेइंग अभी थोड़े सालों में हम सब एकदम, हमें बहुत ही त्राहिमाम मचने वाला है पानी के लिए। सो हाउ डू वी, एक्सप्लोरेशन तो चल ही रहा है, बट हाउ डू वी कंजर्व वाटर ऑल्सो, जिसपे आजकल बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। देखिए इसमें क्या है कि हमारे को ये देखना है कि हम कौन से रीजन में हैं। अगर हम हिमालयन रीजन है और ग्लेशियर से फेड हैं, तो हमारी अभी तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वहाँ पे हमारे ऊपर ये देखना है कि यमुना को ब्लैक वाटर्स हमने कर दिया, गंगा के हमने ब्लैक वाटर्स कर दिया। ब्लैक वाटर्स का मतलब है जितनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंग्लैंड ने इंडस्ट्रीज ला के यहाँ पे रख दी थी, उसको हमने सोचा पता नहीं इन्होंने क्या दे दिया हमारे को इंडस्ट्रीज को, लेकिन उन्होंने उस टाइम ब्लैक वाटर्स को ब्लू कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि उनके भी ब्लैक वाटर्स हमारी इतना ही था। फिर उन्होंने सारी इंडस्ट्री उठा के हमारे पास डाल दी, हमारे ब्लैक वाटर्स बना दिया और हम गंद उठा के यहाँ पे दिया है, हमारे को सिर्फ गंद दिया है, हम खुश हो रहे थे उस टाइम। और हमारी गंगा और यमुना को जो पवित्र नदी हम मानते थे आस्था के साथ खेलते हुए उन्होंने ये खिलवाड़ किया है। अब हमारी बनती है, अब हमारी जनरेशन, चलो 70 साल से हमने क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब क्या है एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यहाँ पे अपना कचरा ना डालें। बिल्कुल हमारी जो गंगा और यमुना की सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस बहुत तगड़ी है, एक दो बार अगर हम इसमें कचरा नहीं डालेंगे तो ये अपने आप हर रेन में फ्लडिंग होगी ये सब क्लियर हो जाएगी। इतना पैसा लगाने में हमारे को इतना ज़्यादा जरूरत गंगा की क्लीनिंग में नहीं है जितना हमारे को ये स्टॉप करने में है। पनिशमेंट देनी चाहिए, जैसे हम पानी ये क्लियर पी रहे हैं वैसे हम पानी निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से तो हम हेल्दी हैं। अगर येलोइशपन भी आ जाता है हमारी बॉडी में तो कहीं पे पानी की कमी आ जाती है, एक डॉक्टर्स बोलते हैं। अब आपने अगर ऐसी इंडस्ट्रीज लेनी है तो इंडस्ट्रीज भी पानी हमारा ऐसे लेती है लेकिन काला पानी डाल देती है। वो काला पानी जो भी इंडस्ट्री डालती है हमारे को इंडस्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है, उस इंडस्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है जो काला पानी हमारे काले करती हैं, उस सीवरेज सिस्टम की ज़रूरत नहीं है जो सीवरेज हमारा इसमें मतलब पानी को कर प्राइमरी रिसोर्स को हमारे को। जैसे अब कई देशों ने गंगा को, हमारी तो सभ्यता ही ऐसी कि गंगा को माँ मानते थे, बिल्कुल, और यमुना को भी माँ मानते थे, कई लोग अब इसको भी गाय को भी माँ मानते हैं, लेकिन गाय को भी माँ मानते थे इसमें भी लॉजिक होता था, गाय का दूध और बच्चे माँ का दूध एक जैसा है, किसी को पिला सकते हो बच्चे को। इसी तरह गंगा को अगर जब तक हम माँ मानते थे तो गंगा का पानी हम कहीं से भी पी सकते थे क्योंकि उसमें हम पवित्रता मानते थे, माँ के साथ जोड़ते थे उसको भी हम लिविंग, और ये नहीं था कि वो नहीं है, उसको भी हम लिविंग आइडेंटिटी मानते थे। सो व्हाट ऑल चेंजेस आपको लगता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में, इसमें लाइफस्टाइल में क्या है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जैसे हम ये पानी पी रहे हैं अब ये है कि इसको अदाना छोड़ें तो ये भी है। दूसरी चीज़ है कि जब हम फ्लश को यूज़ करते हैं तो ये एक पॉलिसी मैटर हो जाना चाहिए। जब हम सिटीज़ में रहते हैं बेसिकली पानी कौन ज़्यादा कंज्यूम करता है, सिटीज़। विलेजेस आज भी सेल्फ सफिशिएंट है वाटर रिसोर्सेज में, सिर्फ क्योंकि ये पंपिंग आ गई है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी हमने दे दी है तब करके हमारी वो हो रही है। लेकिन अगर हम इजरायली मॉडल लें जहाँ पे हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इजरायली मॉडल के साथ एग्रीकल्चर करें, हम ड्रिप इरीगेशन से करें, सिस्टमेटिक इरीगेशन करें, तो हम इसी से पूरी दुनिया को फीड कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से, इतने ही पानी से और इतनी ही ज़मीन से। ये थोड़े थोड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब हमारा क्या काम होता है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा कोई दिमाग नहीं लग रहा है, हम वही ट्रीटमेंट करते हैं पानी पीने के लिए, फिर वो आर ओ सिस्टम में डाल देंगे। कई लोग नलके में फ्रेश वाटर चाहते हैं तो पानी को स्टोर किया हुआ फेंक देंगे। इतनी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है हमारे दिमागों में कि वो नलका के फेंक देंगे, ये नहीं पता कि वो ट्रीटेड पानी रात का पड़ा हुआ वही आप हमारे को फीड कर रहे हो, सवेरे नहीं नहीं फ्रेश पानी हमने बनना है। फिर दूसरा है जो हम फ्लश यूज़ करते हैं तो अब क्या है कि वही पानी हम पी रहे हैं, वही पानी हमारी फ्लश में भी जा रहा है। अब क्या है, अब आप सोसाइटी बनाते हो तो उसमें दो सिस्टम्स, सोसाइटीज़ को, मॉडर्न गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को, और जितनी भी हम सिटीज़ में रह रहे हैं इनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। आपको फ्लश का पानी अलग करना पड़ेगा और फ्लश के पानी को फ्लश की तरह रिसाइकिल करते रहो और उसी को पानी को यूज़ करो। पानी हमारे को सिर्फ 10 लीटर भी नहीं चाहिए पूरे दिन में खाना बनाने के लिए और उसके लिए, और वो बहुत सक्षम है हमारे पास। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, फ्लश करते हैं, बहुत पानी वेस्ट करते हैं, तो हमारे बेसिक लॉजिक जो मुझे समझ में आई है, वी नीड टू रीसाइकिल और कंट्रोल हमारी कंट्रोल, और बेसिक है अपनी हैबिट्स को चेंज करना है और अपना पॉलिसी मैटर्स लेके आने हैं ताकि स्ट्रांग करें और वही पानी हम यूज़ करें और वही फ्लश में फ्लश आउट कर रहे हैं। इसके करेंट क्राइसिस हैं, बाकी हमारी कंट्री में कोई क्राइसिस नहीं आने वाला। जब हमारी पॉपुलेशन बिलियन बढ़ रही, बिलियन से ज़्यादा, मतलब वी आर नाउ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ इन पॉपुलेशन, दैट मीन्स गॉड वॉन्ट्स दिस कंट्री टू प्रॉस्पर, एंड हाउ कैन दिस बी वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज जहाँ पे होनी है वहाँ पे पानी पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ रही है। सो दिस इज गुड न्यूज़ है ना, अभी कोई क्राइसिस है नहीं, बट यस वी हैव टू कंजर्व, वी हैव टू वर्क फॉर इट एंड चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन और यूज। सो दिस इज प्रेशियस, मोर प्रेशियस देन ऑयल, आई थिंक, इन द कमिंग इयर्स। सो लेट्स कंजर्व, लेट्स रीसाइकल एंड लेट्स कंट्रोल एंड चेंज आवर हैबिट्स, and subscribe to 11stream, and it was lovely talking to you, Dr. Ritesh Arya. Thank you, it was lovely talking to you, Sarika. I really enjoyed it. Thank you so much. So quite an emotions aapne wo, yeah, quite an insightful talk we had, and anyone else you think we should share everyone with their good work, please let us know, and keep subscribing, keep sharing. Thank you so much. Bye bye.